जी आज हमारे पास एक सैमसंग की फ्रंट लोड इन्वर्टर मॉडल पीसीबी है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमने सारी वायरिंग लगा ली है जी, हमने डोर स्विच और प्रेशर सेंसर भी इसका अटैच कर लिया है। और ये इन्वर्टर मॉडल है इसके लिए इसका रिएक्टर अलग से होता है, वो भी लगा लिया है। तो हम इसको आज रिपेयर करेंगे। कोई भी चीज़ रिपेयर करने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो पहले हम थोड़ा इसके लिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके दो पार्ट हैं और ये वाला जो पार्ट है इस ड्राइव यूनिट को कंट्रोल करेगा, और इसमें ये सिलेक्टर स्विच है और ये सारे बटन अलग अलग फंक्शन के लिए हैं, और ये डिस्प्ले है जो भी फंक्शन आगे होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए। और इसका ये मेन आईसी, मेन माइक्रो कंट्रोलर, और जहाँ पे ये दो यूएलएन 2 या 3, ये रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट के लिए, और जहाँ पे ये प्रेशर सेंसर के लिए है 4069, और जहाँ पे ये डिस्प्ले के लिए है KID 657883 इसका नंबर है। तो ये पीसीबी इस पीसीबी को कंट्रोल करती है। और इस बोर्ड में एक जहाँ पे एक वर्टिकल बोर्ड और लगा हुआ है, पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है, अलग अलग फंक्शन को चालू करता है और बंद करता है। इस बोर्ड का जो लास्ट एंड पार्ट है जहाँ तक है, ये यहाँ से एक बैरियर शुरू होता है जी, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस एरिए का जो लिंक है इधर नहीं है, इस बोर्ड का टोटल लिंक यहाँ तक है। और इसको जो पावर मिलती है SMPS के थ्रू, ये ट्रांसफार्मर है, और इसको दो तरह के वोल्ट मिलते हैं, तो इस एरिए से मिलते हैं। और जो इस बोर्ड को पावर मिलती है इसी से मिलती है, लेकिन इस पावर का लिंक इधर बिल्कुल नहीं है। इस बोर्ड का लिंक यहाँ तक है, इतना ही एरिया है, और आगे इस बोर्ड को इस बोर्ड से ये कपलर जोड़ते हैं, मतलब ये कोल्ड एरिया है और ये हॉट एरिया है, इनका कोई लिंक, सीधा लिंक नहीं है, कपलर के थ्रू है। और इस बोर्ड के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट और 15 वोल्ट हैं। 5 वोल्ट इसको ऑपरेट करवाने के लिए, और इस बोर्ड में 5 वोल्ट हैं इस कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए, और IPM के लिए जहाँ पे 15 वोल्ट हैं, और रिले के लिए यहाँ पे इस एरिया में 12 वोल्ट हैं। तो और जहाँ पे ये रेगुलेटर लगे हुए हैं दोनों, ये दोनों रेगुलेटर इस हॉट एरिया में है जो 15 और 5 के लिए लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पावर चेक करेंगे। इस बोर्ड में पावर सप्लाई के लिए अलग इनपुट है, और IPM के लिए जो मोटर को ड्राइव का काम करेगी उसके लिए अलग इनपुट है। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, ये इस एरिए के लिए है, और इस पावर सप्लाई के लिए जहाँ पे ये अलग इस SMPS पावर सप्लाई के, वो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर पे इनपुट चेक कर लेंगे। यहाँ पे DC वोल्ट आएंगे 330 वोल्ट, सबसे पहले वो चेक कर लेंगे। तो मीटर को DC रख के हम चेक कर रहे हैं, तो जहाँ पे 330 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि ये SMPS को पावर मिल रही है। और इन कैपेसिटर पे उस टाइम आएगी जब ये पूरा कंट्रोल यूनिट काम करेगा, और ये दोनों PCB मिलके काम करेंगी, तो ये एरिया ऑन होगा। उससे पहले ये एरिया ऑन रहेगा। और जहाँ पे जो दो सप्लाई हैं, एक 15 वोल्ट के लिए और एक 5 वोल्ट के लिए, 15 सही आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, और 5 भी ठीक आ रहे हैं, मतलब कि इस बोर्ड को पावर यहाँ से जा रही है। और इसके आगे जहाँ पे इस बोर्ड को पावर चेक करनी है हमने,
इस बोर्ड में भी 5 वोल्ट जा रहे हैं और आईपीएम को जब ये बोर्ड एक्टिवेट होगा तब आएंगे यहाँ पे जो रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये स्विच रेगुलेटर हैं, जब यहाँ से इनको कमांड मिलेगी तब ये आगे वोल्टेज आउटपुट देंगे। तो फिलहाल इसको सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए इससे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अभी हम इसकी पावर स्विच दबा रहे हैं। तो एक आवाज आती है रिले की और फिर चले जाती है। तो ये दबाने से ये रिले एक्टिव होती है, ये वाली ये रिले एक्टिव होगी तो ये पूरी की पूरी सप्लाई एक्टिव होगी। तो ये अभी पावर दबाने से एक्टिव हो रही है लेकिन फिर डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर ये स्विच काम कर रहा है तो समझो ये पूरे का पूरा बोर्ड काम कर रहा है। ये अपनी कमांड इधर दे रहा है लेकिन इधर की कमांड इधर नहीं आ रही, यहाँ पे जो भी डाटा इधर रिसीव नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में इस ये 3 ऑटोकपलर हैं, तीनों में से एक भी ख़राब हो जाएगा तो ये पीसीबी काम नहीं करेगी, कोई भी पीसीबी काम नहीं करेगी। तो हम इन तीनों को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें इनके 1 और 2 पे डायड रेंज में कंटिन्यूटी चेक करनी है और 3 और 4 पे हमने वोल्ट चेक करने हैं। तो हम पहले डायड रेंज में इनके जो 1 और 2 नंबर पिन है उनको चेक करेंगे। तो इन यहाँ पे 3 लगे हैं, 3 ये एक जो इस पीसीबी से डाटा इधर सेंड करेगा उसके लिए है और ये 2 कपलर जो इस पीसीबी से डाटा रिसीव करेंगे उसके लिए है। तो हम ये तीनों चेक करेंगे, इसका 1 और 2 और इस दोनों का 1 और 2 1 और 2 चेक करेंगे पहले। अगर कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी है तो इसको हम वोल्ट दे के सप्लाई दे के भी चेक कर सकते हैं लेकिन पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हम ये कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेंगे सारे। मल्टीमीटर को हम डायड रेंज में रखेंगे। तो पहले हम ये 1 और 2 इस ऑटोकपलर का चेक करेंगे। तो ये इस 1 और 2 पे ये 1 वोल्ट लेता है तो ये कंटिन्यूटी आ रही है 1.0, ठीक है, इतनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और इन दोनों का चेक करेंगे, तो इस ऑटो कपलर की भी कंटिन्यूटी ठीक आ रही है। तीसरे का चेक करेंगे, जहाँ से इस ऑटो कपलर की डिफरेंट कंटिन्यूटी आ रही है, ये और 1 और 2 है, ये भी 1 और 2 है और ये भी 1 और 2 है, इन तीनों की 1 और 2 पे कंटिन्यूटी सही आनी चाहिए। अगर इस एरिया में कुछ चीज़ शॉर्ट है तो इसकी कंटिन्यूटी में डेड रेंज में कम आना चाहिए। ये ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ऑटो कपलर ओपन है अंदर से। अभी हम इसको पावर दे के चेक करेंगे। जेकर इसके 1 और 2 पे वोल्ट हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट से कम वोल्ट आएंगे। यहाँ पे 1 और 2 पे वोल्ट नहीं है इसलिए इधर भी वोल्ट पूरे 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं।
अगर इधर कुछ वोल्ट है एक और दो पे, तो इधर 4-5 वोल्ट से कम आएंगे। इधर कुछ नहीं है तो इधर 5 वोल्ट आएंगे। इधर वोल्ट आ रहे हैं 1 वोल्ट के लगभग, एक और दो पे, तो इधर 5 नहीं आना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए जहाँ पे 5 आा रहे हैं। इसका मतलब ये ऑटो कपलर फॉल्टी है, तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करके फिर चेक करेंगे। इधर भी डिस्चार्ज कर देंगे, 5 वोल्ट चार्ज तो नहीं है। तो एक बार हम इसको बाहर निकाल लिया, फिर चेक करेंगे। पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू चेक करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा आ रही है सही है, जहाँ पे एक और दो को चेक करेंगे। यहाँ पे 1.0 आनी चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, जहाँ पे ये ज़्यादा रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये टोटली ख़राब है। तो इसका नंबर है जो 2.2561 है, तो इसकी जगह हम 817 लगा सकते हैं। ये है 817। तो इसका एक और दो इस साइड आएगा, कोल्ड आउटसाइड। कपलर हमने चेंज कर लिया है, अभी हम इसको चालू करेंगे। ये पावर दे दिया हमने, तो पावर दे के हम चेक करते हैं इसको चलाने से पहले। 3 और 4 पे हमने वोल्ट चेक करने हैं। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, और एक और दो पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। अब हम पावर का बटन दबाएंगे, तो JPCB ऑन हो गई है। दोबारा वोल्ट चेक कर रहे हैं, एक और दो पे 1 कम्युनिकेशन एक्टिव हो गया इसका। तो ये कम्युनिकेशन हो गया और PCB भी ऑन हो गया। और जहाँ पे टेम्परेचर एरर आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने NTC नहीं लगाया हुआ, तो वो भी लगा लेते हैं। तो इसमें हम NTC की जगह ये रजिस्टर लगाएंगे, और ये कनेक्टर NTC का है।
एरर चला गया है और पीसीबी ओके हो गई है। ये पीसीबी ओके हो चुकी है। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।